हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, जीएससीएल लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, जो कि आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। गाइस, इसके साथ साथ कंपनी का 7.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का यहाँ पर डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट। गाइस, यहाँ पे देखें तो कंपनी यहाँ पे अपना कैपिटल बजट निकाला है 24 का, जो कि 336 करोड़ का यहाँ पे अप्रॉक्स जैसे कैपिटल बजट करना चाह रही है 24 के फिनेंशियल ईयर में। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट्स में। करोड़ में नंबर्स दिए गए, इनकम 1141 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1107 करोड़ था, मार्च 22 क्वार्टर में 1058 करोड़ का इनकम था। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तेजी है, ईयर ऑन ईयर में भी तेजी देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस है 807 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 766 करोड़ था, मार्च 22 क्वार्टर में 759 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। यहाँ पे यह क्वार्टर ऑन क्वार्टर के एक्सपेंसेस बहुत इंक्रीज हुआ, जिसके कारण प्रॉफिट्स में गिरावट आई, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 333 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 340 करोड़ था, मार्च 22 क्वार्टर में 298 करोड़ का प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में गिरावट है, ईयर ऑन ईयर में तेजी आया, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा हुआ, इसकी वजह से गिरावट देखने को मिला है। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, 226 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 252 करोड़ था, मार्च 22 क्वार्टर में 272 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिल रहा है। ईपीएस निकल के आया है, इस बार अगर देखिएगा तो कंपनी का जो ईपीएस निकल के आया है 24.23 रुपीज़ का, पिछले क्वार्टर पिछले साल से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। तो यहाँ पे गाइस, कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स निकल के आया है बहुत ही एवरेज, क्योंकि इनकम में तो ग्रोथ है, बट एक्सपेंसेस ज़्यादा होने के कारण और टैक्स ज़्यादा पे करने के कारण कंपनी का प्रॉफिट में जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है। तो गाइस, अब हम लोग इसके स्टैंडअलोन रिजल्ट्स को कवर करें, जो कि गाइस नंबर करोड़ में दिए गए। इनकम 1141 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1107 करोड़ था, मार्च 22 क्वार्टर में 1058 करोड़ का इनकम था। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस 807 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 766 करोड़, मार्च 22 क्वार्टर में 757 करोड़ का एक्सपेंस हुआ, जो कि एक्सपेंसेस भी यहाँ पे इंक्रीज किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में। प्रॉफिट की बात करें तो 218 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 249 करोड़ था, मार्च 22 क्वार्टर में 260 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल रही है। यहाँ पे ईपीएस की बात करें 23.36 रुपीज़ का, पिछले क्वार्टर पिछले साल से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। तो ओवरऑल यहाँ पे एवरेज रिजल्ट आया, क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है लेकिन इनकम तेज़ी आ रही है, तो एवरेज रिजल्ट कंपनी का पेश हुआ। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।